आपके चैनल पर नए नए लोग आएंगे, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों ये दो पावरफुल टिप्स बहुत लोगों को पता है पर वो यूज ही नहीं करते हैं, इसी वजह से उनके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो अगर आप सबका एक नया चैनल है या फिर पुराना चैनल है, अगर आप सबके चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और आप सब अपने चैनल पे सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आज के इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए वो जानते हैं बिना किसी इंट्रो के। बाय द वे, पिछले वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने वाले ये है तो मैंने इनके चैनल को अपने कम्युनिटी टैब में लगा दिया है, तो आप सब जाओ जाके सपोर्ट करो। अगर आप सभी अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में फर्स्ट कमेंट कर देना। जब आप मेरे वीडियो में फर्स्ट कमेंट करोगे तो मैं आपके भी चैनल को इसी तरह से प्रमोट कर दूंगा। बाकी बात अब आते हैं अपने टिप्स की ओर, वो कौन सा दो टिप्स है जो आपको यूज करना चाहिए अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। और इस टिप से मैंने भी अपने चैनल पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर देता हूं। तो दोस्तों लाइव प्रूफ दिखाने के लिए आ चुका मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो अब मैं सबसे पहले अपने मोबाइल में YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो ओपन कर लिया है तो अभी आप सब देख सकते हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर कितना है, 12,359 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ पे देख सकते हो, रिफ्रेश होने के बाद मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर कितना हो गया है, 13,268। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं, ऐड करूं, तो लगभग मेरे को 909 सब्सक्राइबर मिले हैं। एक बार में मेरे को 909 सब्सक्राइबर मिले हैं। और भाई अगर आपके नए चैनल पे इतना सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो भाई इससे बड़ी बात क्या होगी, वही आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो दो टिप्स बताऊंगा उसको आपको यूज करना है, फिर आपके भी चैनल पे इतना ही तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो पहले बात करते हैं पहला टिप्स के बारे में। पहला टिप्स ये है कि आप अपने कैटेगरी के यूट्यूबर के वीडियो पे कमेंट करो। उसके लिए आप यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना एंड जिस चैनल पे आप सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं आप उस चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अभी जो भी आपके कैटेगरी का छोटे छोटे यूट्यूबर है या फिर थोड़ा आपसे बड़ा यूट्यूबर है, आप उनके वीडियो में रेगुलर कमेंट करते रहो। अगर 10 दिन भी रेगुलर कमेंट करते रहोगे उसके चैनल पे तो वो भी आपके चैनल पे कमेंट करेंगे। और अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा तो वो आपका फैन बन जाएगा, आपका रियल एंड एक्टिव सब्सक्राइबर हो जाएगा और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप सब ये करते ही नहीं हो, बस आप अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर देते हो, छोड़ देते हो कि अब व्यू जाएगा। भाई अभी आपको जरूरत है लोगों को, तो आप लोगों को अपने चैनल पे जबरदस्ती बुलाओ, आप उनके वीडियो पे कमेंट करो, वो भी आपके वीडियो पे कमेंट करेंगे। इस तरह से आप लोगों को अपने चैनल पे जबरदस्ती बुला सकते हो, वो आपका वीडियो देखेगा तो आपका व्यूज भी बढ़ेगा और अगर आपका कंटेंट उसे पसंद आता है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो अगर आप सबका नया चैनल है या फिर पुराना चैनल है, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो अभी से आप नए नए यूट्यूबर के वीडियो पे कमेंट करना शुरू कर दो। अब कमेंट करने से मेरा मतलब ये है कि आपके जो कैटेगरी का यूट्यूबर है उनके वीडियो पे ही कमेंट करो। अदर कैटेगरी वाले के लोगों, अगर अदर कैटेगरी के लोगों के वीडियो पे कमेंट करोगे तो भाई वो अगर आपके चैनल पे आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बस आपको व्यूज मिलेगा, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेगा। अगर इनके सब्सक्राइब ही कर लेगा तो आपका रियल एंड एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं बन पाएगा। इस वजह से आपका जो कैटेगरी है आप अपने कैटेगरी के लोगों के वीडियो पे ही कमेंट करना, उसके अलावा और किसी के वीडियो पे आप कमेंट अगर करना चाहते हैं तो भाई और दूसरा ईमेल आईडी से आप उसके वीडियो पे कमेंट करो। बट अगर आप जिस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं आप उस चैनल से अपने कैटेगरी के लोगों के वीडियो पे ही कमेंट करना। तो आप इस पहला टिप्स को याद रखना एंड अब से ही इसको स्टार्ट कर दो यूज करना। चलिए अब आपको मैं दूसरा टिप्स बता देता हूं जो कि भाई ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके मदद से आपके चैनल पे व्यूज आएंगे, आपका वीडियो वायरल होगा और आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और ये दूसरा टिप्स क्या है वो अब आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो दूसरा टिप्स ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने वीडियो के टॉपिक पे, अपने वीडियो के थंबनेल पे, अपने वीडियो के SEO पे। अब काफी लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है, बस लोगों से सुन लेते हैं कि SEO करना होता है बट वो SEO करते ही नहीं है, ना ही वो अपने वीडियो के कीवर्ड पे ध्यान देते हैं, ना ही वो अपने वीडियो के थंबनेल पे ध्यान देते हैं। इस वजह से आपको अब ध्यान देना होगा अपने वीडियो के कीवर्ड पे, थंबनेल पे, SEO पे। अगर आप इसको सही कर लोगे, अगर समझ जाओगे तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका वीडियो यूट्यूब सर्च में भी रैंक करेगा, ब्राउज फीचर में भी रैंक करेगा, यहाँ तक कि सजेशन में भी जाएगा आपका वीडियो, रिकमेंडेशन में भी यूट्यूब भेजेगा।
तो आपको समझना पड़ेगा कि SEO कैसे करनी होती है वीडियो में, और कीवर्ड पर हमें कैसे ध्यान देना पड़ता है, और थंबनेल पे हमें कैसे ध्यान देना पड़ता है। इन सब के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में बात किया है, तो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, हर एक चीज के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आपको पूरा देखना है, आप पूरा समझ जाओगे SEO आपके वीडियो में कैसे होगा, थंबनेल पे आपको कैसे ध्यान देना है, और टाइटल पे कीवर्ड पे आपको ध्यान कैसे देना है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि आपका चैनल ग्रो हो, आपके वीडियो पे व्यू जाए, आपके चैनल पे भाई रिफ्रेश करते ही सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, तो आप अपने वीडियो में ध्यान दो, कीवर्ड पे ध्यान दो, थंबनेल पे ध्यान दो, SEO पे ध्यान दो, सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आप जाओ जाके देखो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आप ये दो टिप्स को फॉलो आज से ही करना शुरू कर दो, और फिर देखो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर कितना तेजी से बढ़ता है। पहला टिप से तो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर तो इंस्टेंटली ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा टिप से धीरे धीरे आपका वीडियो YouTube सर्च में जाने लगेगा, आपका वीडियो ब्राउज फीचर में जाने लगेगा, सजेशन में जाने लगेगा, उसके बाद YouTube आपके वीडियो को लोगों के पास रिकमेंड भी करेगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज भी मिलेंगे, आपके चैनल पर नए नए लोग आएंगे, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप इन दोनों टिप्स को हमेशा फॉलो करते ही रहना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, एंड देखते रहिए RJTech2M।